वंदे मातरम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कल हमने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल। तो हमने लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल फिल करना है जो आपको फिलअप्स बीच में गिवन है। तो ये रैशनल नंबर गिवन है माइनस के 5/7 और फिलअप्स है बीच में फिर 2/3। तो इसका सबसे सिंपल वे क्या है स्टूडेंट्स, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, मतलब माइनस के 5 को ये 3 के साथ और 2 को 7 के साथ। तो माइनस के 15 लेफ्ट हैंड साइड में है और 14 राइट हैंड साइड में है। अब माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होता है, तो इसलिए 14 ग्रेटर है किससे, माइनस के 15 से। तो 14 की साइड आप ग्रेटर इनइक्वालिटी का साइन आप लगा दोगे। सेम ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सभी पार्टीज के सेम ही होंगे, आपने बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और इसको आपने जज करना है कि ये कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। अब जैसे माइनस के 4/5 और माइनस के 5/7, तो आप माइनस के 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस के 5 को 5 से। अब माइनस के 28 और माइनस के 25 में कौन सा नंबर बड़ा है स्टूडेंट्स, माइनस के 25, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे नेगेटिव नंबर से। तो अब देखिए स्टूडेंट, जो लास्ट पार्ट है इसका उसमें क्या है, 0 और दूसरा रैशनल नंबर है माइनस के 7/6। तो जब आप माइनस के जीरो से 6 को मल्टीप्लाई करोगे और माइनस के 7 को 1 से, तो 0 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और इधर माइनस के 7 है, तो आपको 0 छोटा नहीं है इसमें, 0 बड़ा है क्योंकि 0 माइनस में नहीं है और ये माइनस के 7 है, तो इसलिए 0 एक बड़ा नंबर है और माइनस के 7 छोटा नंबर है, क्योंकि माइनस के 7 0 से लेफ्ट साइड में होता है और जो नंबर 0 से लेफ्ट में होगा वो 0 से छोटा होता है। नाइन्थ क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, विच इज़ ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को भी आप सेम प्रोसेस से कर सकते हो और एक मेथड और है इसका, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, 2/3 और 5/2। तो इसका एक वे ये है, पहले इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। तो एलसीएम क्या आएगा, 6। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, दोनों नंबर का बेस 6 बनाओगे। तो वो कैसे बनाओगे, जैसे 2/3 उसका 6 बेस कैसे बनाओगे, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 4/6 मिल जाएगा। और ऐसे ही 5/2 को भी आपने बेस इसका 2 का 6 बनाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो आपको दो नंबर मिल गए, 4/6 और 15/6। अब बेस सेम है तो आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो 15/6। एक मेथड स्टूडेंट इसका ये है, आपको सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो उससे भी आप ये फाइंड कर सकते हो कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, तो माइनस के 5/6 और माइनस के 4/3। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या गेट होगा, माइनस के 15 और एक साइड माइनस के 24। तो देखिए माइनस के 15 और माइनस के 24 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो माइनस के 15 ही बड़ा है क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, तो है पर दोनों ही नेगेटिव है, सॉरी, पर नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सिंबल है किसकी साइड ग्रेटेस्ट का साइन आपको डालना है, माइनस के 5/6, और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है इसका। अब टेंथ क्वेश्चन में क्या है, राइट फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो देखिए तीन नंबर गिवन है, अब तीनों का बेस सेम है। अब इसको आप नंबर लाइन पे बना के भी देख सकते हैं, 0 फिर माइनस के 1/5, माइनस के 2/5, माइनस के 3/5। जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको लेफ्ट टू राइट से जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो लेफ्ट टू राइट मतलब माइनस के 3/5 छोटा है, फिर माइनस के 2/5 उससे बड़ा है, माइनस के 1/5 इन सबसे बड़ा है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। तो अब जैसे ये है 1/3, माइनस के 2/9, माइनस के 4/3, तो आपको पहले इनका बेस सेम बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, तो 393। तो 393 का एलसीएम क्या आएगा, तो आप तीनों जो हैं एक ही टेबल पे कट हो रहे हैं, तो 3 1 3 3 3 9 3 3 1 3, तो एलसीएम इसका क्या आ गया, 9। तो अब जो 9 एलसीएम आया तो हमने सबका बेस 9 बनाना है। तो आप 9 बेस कैसे बनाओगे, अब 1/3 का, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। ऐसे माइनस के 2/9 का बेस तो 9 है, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस के 4/3 में भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड। तो इससे आपको ये नंबर गेट हुए हैं, 3/9, माइनस के 2/9 और माइनस के 12/9। तो अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे छोटा नंबर इसमें माइनस के 12/9, फिर माइनस के 2/9, फिर 3/9। तो इसी टाइप से आपने इसके सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है, और जो कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने फ़ोन पे डिस्कस करनी है।